हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो स्मूदी की रेसिपी। आजकल मैंगो सीजन चल रहा है और आम बहुत ही अच्छे आने स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ मैंगो स्मूदी की रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको उसके इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मैंने मीडियम साइज का एक आम लिया हुआ है, काटा हुआ है, फाइनली चॉप्ड। और उसके बाद देखिए मैंने डेट्स लिए हुए हैं, 2 से 3 डेट्स हैं सॉफ्ट वाले, उसके बीज निकाल लिए। ये देखिए, सोक्ड कैश्यू है 5, सोक आमंड्स हैं 5, और चिया सीड है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून सोक्ड ओट्स हैं। मिनिमम इनको 4 घंटे पहले आप सोक करके रख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, इसमें मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। सबसे पहले ये देखिए, इसमें मैं मैंगो डाल दूंगी मिक्सर जार में। इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। ये मैंने डेट्स डाल दिए, ये कैश्यूज डाल दिए, ये आमंड्स डाल दिए, और ये मैं डाल दूंगी ओट्स। अब इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड, अराउंड 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे। और इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से चला लेती हूँ। ये मिक्सर ग्राइंडर चला लेते हैं अच्छे से। हमारा ये हो गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे, तो इसको सर्व कर देते हैं हम। ओके, मैंगो स्मूदी रेडी हो गई, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़े से डालेंगे हम ये चिया सीड्स। ये बहुत ही हेल्दी होती है और आप इसको वेगन भी बोल सकते हैं, वेगन मैंगो स्मूदी भी। देखिए, हमने इसमें दूध दही का भी कोई यूज नहीं किया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड ये मैंगोज। थोड़े से डालेंगे ऊपर से ये कटे हुए सोक्ड आमंड्स। ये हमारा मैंगो स्मूदी रेडी हो गई है बिल्कुल पीने के लिए। क्या हमारी मैंगो स्मूदी फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार हो गई है पीने के लिए, और बहुत ही आसानी से फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। आजकल आपको पता है आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसको फटाफट ट्राई करिए, फटाफट बनाइए और बताइए कि आपको कैसी लगी। और आप देखिए, ट्राई करिए, बच्चों को भी, बड़ों को, सबको घर में बहुत पसंद आएगी। बस आप एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें डेट्स डाले हैं, तो वो उसका डेट्स का एक हल्का हल्का सा मीठापन होता है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें आप शुगर ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून, या अगर हनी ऐड करना चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। और कई लोग जो चाहते हैं कि थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है, तो वो चाहें तो इसमें स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो जो डेट्स का मीठापन होता है हल्का हल्का सा, वो बहुत ही यमी लगता है। तो आप इसको बनाइए, ट्राई करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।